दूसरी पत्नी के चक्कर में पिता बना पुत्र का कातिल, ससुराल से बेटे को किया अगवा फिर गला दबा कर दी हत्या। सीतामढ़ी जिले के परसौनी थाना क्षेत्र के ढांगर गांव में बुधवार की सुबह 7 बजे सोनफी पासवान की पुत्री उषा देवी के पति मिट्ठू पासवान ने अपने ही पुत्र की हत्या कर दी है। मिट्ठू पासवान दूसरी महिला से शादी रचा चुका था, जिसके बाद से वह पहली पत्नी को परेशान कर रहा था। इसी कारण उसने अपनी पहली पत्नी से हुए पुत्र को पहले ससुराल से अगवा किया, फिर उसकी गला दबाकर हत्या करने के बाद उसके शव को देमा हॉस्पिटल के पीछे पोखर में फेंक दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतक बच्चे की मां उषा देवी ने बताया कि मिट्ठू पासवान दूसरी शादी रचा चुका है, तभी से वह लगातार पुत्र की हत्या करना चाह रहा था।